तो हेलो जी दोस्तों, आपको स्वागत है मेरे चैनल जी के नगरी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हिंदी में वीडियो लाने वाला हूँ, फिजिकल एजुकेशन वाली उसमें लाने वाला हूँ, हिंदी में लाने वाला हूँ। तो हिंदी में आप इन क्वेश्चंस को देखना, मैं टोटली आई थिंक 100 या 90 क्वेश्चंस है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप PDF जो है ज़्यादा अवेलेबल करा सकूँ, जिससे आप सही से प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो आगे चलते हैं। सब्सक्राइब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज जो नई वीडियोस डाल रहा हूँ, मैं PDF डाल रहा हूँ, वो आप तक जल्दी पहुँच सके। ठीक है, वरना सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वो वीडियो आप तक पहुँचेगी ही नहीं, फिर आपको दोबारा सर्च करके देखना होगा। इससे अच्छा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप पे पहले पहुँच जाएगा मेरी जो भी नई वीडियो आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, सहायक शिक्षा का ये मैं हिंदी में लेके आया हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, शिक्षा क्या है? तो शिक्षा क्या है बताइए, शिक्षा क्या है? शिक्षा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, शिक्षा जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा का अर्थ मानव को मानव होने का बोध कराता है। तो आंसर है इसका उपरोक्त सभी। क्या? उपरोक्त सभी, सबका है। आगे चलते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो एजुकेशन शब्द है जो ये, इसकी उत्पत्ति कौन से लैटिन भाषा के कौन कौन से शब्द से हुई है? तो दोस्तों, एजुकेशन की उत्पत्ति इन तीनों वर्ड से हुई है। ठीक है, किससे? इन तीनों वर्ड से हुई, एडुकेयर, एडुकेयर और एडुकेटम। क्या? एडुकेटम। ठीक है, तो इन तीनों से हुई है। तो इसका आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर है क्या? उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो शिक्षा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो वो है शिक्षा। क्या? शिक्षा। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो किससे हुई है, जब ऊपर दिखा रखा था कि लैटिन भाषा से लिया गया, तो भाई लैटिन से हुई है ना, लैटिन से हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, किस विद्वान का कथन है? तो किसका था कथन ये? तो ये था एरिस्टो का, एरिस्टोटल। इंग्लिश में एरिस्टोटल पढ़ाया था, TOTLE, तो बस हिंदी में एरिस्टो है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, किस विद्वान का कथन है? तो किस विद्वान का कथन है ये? तो वो है TP Nunn। क्या? TP Nunn। तो TP Nunn ने कहा था शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसके अनुसार शिक्षा शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया है? तो किसके? तो वो है प्लेटो। क्या? प्लेटो। ठीक है, प्लेटो ने कहा था कि जो शिक्षा है शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने की शिक्षा है, किस विद्वान का कथन है? तो किस विद्वान का कथन है? ये है विवेकानंद की। क्या? विवेकानंद जी ने कहा था मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने की शिक्षा है, तो वो कहा था विवेकानंद ने। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक स्वगुणपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है, किस विद्वान का कथन है? तो किस विद्वान का कथन है ये? ये कथन है पेस्टोलॉजी। क्या? पेस्टोलॉजी। क्या है? पेस्टोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति का अंतर मात्र है, किस विद्वान का ये कथन है? तो किस विद्वान का कथन है ये? ये है स्टेयर। क्या? स्टेयर। तो ज़्यादातर इसमें नाम्स आएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना स्टेयर का है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा के बिना व्यक्ति पशु से भी चुस्त है। क्या? पशु से भी चुस्त है, तो क्या है वो? सत्य। सत्य है ये कि शिक्षा के बिना व्यक्ति पशु से भी चुस्त है। ठीक है, आगे। शिक्षा द्वारा ही नैसर्गिक क्षमताओं का विकास होता है, सत्य है असत्य है? तो ये सत्य है। ठीक है, क्या है? सत्य है। आगे चलते हैं। पूछा है इनमें से सत्य कथन कौन सा है, इन जो भी सब है इनमें से सत्य कथन कौन सा है? शिक्षा कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। हाँ ठीक है भैया, ये तो है ही, सही बोलते हैं, एजुकेशन इज नो लिमिट। शिक्षा सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास है। हाँ, शिक्षा के द्वारा आचरण में बदलाव आता है भैया, एटीट्यूड बिहेवियर। ठीक है, तो उपरोक्त सभी, मतलब सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, तो सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का किस विद्वान का विचार है? तो किसने कहा था कि शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है और सामाजिक विकास के लिए भोजन का, क्या बोलते हैं, शिक्षा का किस विद्वान का विचार है, किसने कहा था ये? तो दोस्तों, ये कहा था JohnDB। क्या? JohnDB। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, जो इनको लिख लोगे तो ही अच्छा रहेगा,
क्योंकि ये नाम इतने जल्दी याद नहीं होले, इतने सारे नाम आ गए अब तक, इतने सारे नाम याद नहीं होने वाले, ठीक है, इनको लिख लेना कॉपी में। आगे चलते हैं। पौधों का विकास कृषि के द्वारा तथा मानव का विकास शिक्षा के द्वारा होता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो किसने कहा था कि पौधों का विकास कृषि के द्वारा होता है और मानव का विकास शिक्षा के द्वारा होता है? तो किसने कहा था? ये कहा था जॉन लॉक ने। क्या? जॉन लॉक ने कहा था। क्या? जॉन लॉक ने। ठीक है, आगे चलते। शिक्षा द्वारा ही बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर लाता है, किस विद्वान का विचार है? तो किस विद्वान का विचार है ये? ये है फारवेल। किसका? फारवेल। तो दोस्तों, इसको लिखने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। इसको कॉपी में मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट कर लो, नोट करके नोट्स बना लो जो इंपॉर्टेंट्स लग रहे हैं, जो तुमको याद नहीं होने वाले। मेरे को तो पता है ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं विद्वान वाले, जिसमें नाम्स आ रहे हैं, वो आपसे जल्दी याद नहीं होने वाले, इसलिए इनके नोट्स बना लो कॉपी में, और कॉपी में लेके इसको रख लो। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा संबंध है, तो शिक्षा संबंध है, जुड़ी हुई है किससे? चारित्रिक गुणों के विकास से, व्यक्तित्व विकास से। तो ए और बी दोनों इसका आंसर है। क्या? ए और बी दोनों। तो दोस्तों, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, वैसे मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, इंग्लिश मीडियम से मैंने करी है सारी कुछ, तो मैं हिंदी मीडियम में थोड़ी हिंदी तंग है, ठीक है, ज़्यादा फोकस मत करना, ठीक। आगे चलते हैं। शिक्षा के लक्ष्य हैं, तो शिक्षा के लक्ष्य क्या क्या हैं? तो शिक्षा के लक्ष्य हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, ठीक है, उपरोक्त सभी, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, ठीक है। आगे चलते हैं। तो व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है, तो व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है। तो क्या सत्य है? असत्य है? सत्य है। व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है। जब कोई व्यक्ति अपने मतलब एटीट्यूड सही कर लेगा, जब कोई हम बाहर जाते तो कोई आवारा लोग घूमते हैं तो हम बोलते हैं यार ये तो बिल्कुल मतलब अनपढ़ ही है, तो पढ़ा लिखा नहीं है। तो व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है। तो ध्यान रखना, जैसा आपका एटीट्यूड होगा, जैसा आपका बिहेवियर होगा, उसी अकॉर्डिंग तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने शिक्षित हो, कितने अशिक्षित हो, ठीक है। आगे चलते हैं। किस विद्वान ने बालक की शिक्षा को मानसिक अथवा शारीरिक भागों में विकसित कर संपूर्ण विकास पर बदल दिया? किसने? कौन सा वो विद्वान था? क्या था वो? रूसो। क्या? रूसो। अगर आपने इसकी बायोग्राफी नहीं पढ़ी दोस्तों, जाके इस रूसो की बायोग्राफी पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुन के आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। शिक्षा का आदेश उद्देश्य है, तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य है स्वर्गीण विकास। क्या? स्वर्गीण विकास, चेतना का विकास ना, ये है ना, ठीक है, इसका आंसर है स्वर्गिक स्वागीण विकास, स्वर्गीण विकास है, ठीक है। हिंदी तो वैसी तंग है यार, हल्की हल्की, इतनी परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोल पाते कोई, मैं तो नहीं बोल पाता यार, मैं तो इंग्लिश का स्टूडेंट था, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य अत्यधिक विकास है, आध्यात्मिक विकास है, आध्यात्मिक है, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास है, किसने कहा है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था टैगोर जी ने। किसने? टैगोर जी ने, ठीक है। आगे चलते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता चरित्र है, आवश्यकता चरित्र है, शिक्षा नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता चरित्र है, शिक्षा नहीं, किस विद्वान का कथन है? तो किसने कहा था ये? ये कहा था स्पेंसर ने। किसने? स्पेंसर ने। कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता चरित्र है, शिक्षा नहीं। वैसे इस बात को गलत ठहराया जाएगा, क्योंकि भाई शिक्षा होगी तभी तो चरित्र होगा, एटीट्यूड होगा, शिक्षा, तभी तो मैंने अशिक्षित वाला बताया था। तो वैसे भी ये कहा था, इन्होंने कहा था स्पेंसर ने, ठीक है, याद रखना कि ये नेगेटिव थॉट्स के ऊपर लेकर चलेगा इसे। आगे चलते हैं। शिक्षा का लक्ष्य पूर्ण मानव विकास है, तो किसने? असत्य है? असत्य है। क्या है? सत्य है या असत्य है? तो सत्य भी है, असत्य भी, और सद्विगिध भी है, ठीक है। तो आंसर है इसका उपरोक्त कोई नहीं। क्या? उपरोक्त कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है, सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं है, ठीक है, तो कोई नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। शिक्षा का संकुचित रूप है, शिक्षा का संकुचित रूप है क्या है? औपचारिक। क्या? औपचारिक, ठीक है, क्या है? औपचारिक। आगे चलते हैं। जीवन स्वयं में एक स्कूल है जहां व्यक्ति अनुभव के आधार पर सीखता है, तो ये सत्य है, सत्य है, हाँ भाई सीखता है, सत्य है ये। जीवन स्वयं में एक स्कूल है, जीवन एक स्वयं में स्कूल है, स्कूल से हम जब नॉलेज सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो जीवन भी, जीवन से भी तो हम कुछ सीखते हैं, है ना, कहीं कोई गलती हो जाती तो हम बोलते हैं आपसे नहीं दोहराएंगे उसे, तो ये चीज़ है, ठीक है। शिक्षा नहीं है, शिक्षा क्या नहीं है? शिक्षा विकास नहीं है,
व्यवस्या नहीं दोस्तों, ये नहीं है शिक्षा, व्यवस्या नहीं है, ये भी है, इसे कह सकते हैं शिक्षा, इसे भी कह सकते हैं शिक्षा, बस व्यवस्था को व्यवसाय, व्यवसाय व्यवसाय को नहीं कह सकते, ठीक है। व्यक्ति के स्वर्गीण विकास में सम्मिलित है, तो क्या क्या सम्मिलित है, मिले हुए हैं, शारीरिक विकास भी, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास भी, व्यक्तित्व तथा सामाजिक विकास, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका दोस्तों उपरोक्त सभी, क्या उपरोक्त सभी, ठीक है याद रखना। चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा के अभाव से व्यक्ति पशु से भी चुस्त है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, कहीं पढ़ा दिया था मैंने, ठीक है, सत्य है ये वैसे, ठीक है। आगे चलते हैं। मानव एक सामाजिक प्रणाली है, मानव एक सामाजिक प्रणाली है, हाँ या ना, हाँ, क्या, हाँ, ठीक है। आगे चलते हैं। किस विद्वान ने शिक्षा को द्रवमुखी प्रक्रिया कहा है, द्रवमुखी प्रक्रिया कहा है, किसने कहा था, एडमस ने, किसने, एडमस ने, ठीक है। ये नाम, जो भी नाम वाले क्वेश्चन है दोस्तों उनको तो आप कॉपी में लिख ही लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ये बहुत आने वाले हैं नाम वाले क्वेश्चन, तो ध्यान रखो आने वाले हैं तो आएंगे, तो इनको कॉपी में लिख लो जिससे आप इनके नाम याद कर सको। पता नहीं कौन यार इतने सारे क्यों दे गए, एक ही नहीं देके जा सकते थे। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने माना है, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने माना है, तो किसने माना है, कहा तो इन्होंने था, माना किसने, जॉन डीबी ने, क्या, जॉन डीबी ने माना था कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, कहा तो उन्होंने था लेकिन माना इन्होंने, ठीक है। आगे चलते हैं। त्रिमुखी इसलिए क्योंकि सोशली, मेंटली और फिजिकली, तीनों, शारीरिक मानसिक और, शारीरिक मानसिक और एक और है हिंदी में याद नहीं आ रहा, ठीक है। आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। समाज को स्कूल विहीन करने का विचार किसने प्रस्तुत किया, समाज को स्कूल विहीन करने का विचार किसने किया, तो किसने क्या आता है, ये कह रहा इलिच ने, क्या, इलिच ने, इलिच जैसी सोच, बहुत बढ़िया। स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय को किस विद्वान ने दमनकारी समस्थाएं, संस्थाएं कहा, क्या, दमनकारी संस्थाएं कहा, तो किसने कहा था, ये भी किसने कहा था, ये कहा था इलिच ने, किसने, इलिच, इलिच नाम भी क्या, इलिच, ठीक है। आगे चलते हैं। दी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं, तो याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना, द स्कूलिंग सोसाइटी, ये एक पुस्तक का नाम है, क्या, पुस्तक, बुक का नाम है, जो किसने लिखी थी, किसने लिखी थी ये बुक बताइए, ये लिखी थी इलिच ने, क्या, इलिच ने, तो इलिच से तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, ये क्वेश्चन तीन के तीन नोट कर लो, एक साथ नोट्स की कॉपी में ऐसे लिख लो कि स्कूल वहीने करने का विचार भी इलिच ने दिया था, और स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय को दमनकारी संस्थाएं कहा था, संस्थाएं कहा इलिच ने, और दी स्कूल सोसाइटी पुस्तक के लेखक भी इलिच ने, ठीक है। आगे चलते हैं। स्कूल मानव जीवन के निम्न निर्माण, यार मेरी हिंदी इतनी बकवास क्यों है, क्यों है, बट इंग्लिश सही है दोस्तों, आगे चलो हिंदी में तो लुल्लू, ठीक है। चलो, स्कूल मानव जीवन के निर्माण के लिए एक विशेष वातावरण प्रदान करते हैं, किस विद्वान का कथन है, तो किस विद्वान ने ये कहा था, ये कहा था डी डी बी, जॉन डीबी, किसने, जॉन डीबी, ठीक है। आगे चलते हैं। शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य समान हैं, शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य समान है, हाँ भैया, शिक्षा भी हमें सही रहना सिखाती है, शिक्षा भी हमें फिजिकली, मेंटली और सोशली ठीक रहना सिखाती है, और शारीरिक शिक्षा भी हमें यही सिखाती है ना। आगे चलते हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आएगा, ठीक है, तो खेल दिवस कब मनाया जाता है, खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त, क्या, 29 अगस्त, ढक दिया थोड़ा, कोई बात नहीं, कर देते हैं इसे 29 अगस्त को, ठीक है। आ जाते हैं। शारीरिक शिक्षा को सर्वप्रथम महत्व कहाँ प्राप्त हुआ, शारीरिक शिक्षा को सर्वप्रथम महत्व कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो कहाँ प्राप्त हुआ था सबसे पहले हुआ था यूनान में, कहाँ दोस्तों, यूनान में, ठीक है। आ जाते हैं। शिक्षा में शारीरिक शिक्षा को कब महत्व मिला, शिक्षा में शारीरिक शिक्षा को कब महत्व मिला, तो कब मिला था, इसके नीचे मैंने रेड पेन भी चला रखा है, तो कब मिला था, 8th शताब्दी में, क्या, 18वीं शताब्दी में, किसमें, 18वीं शताब्दी में शिक्षा को, शारीरिक शिक्षा का महत्व मिला था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 42, शारीरिक शिक्षा से व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होता है, तो होता है या नहीं होता है, होता भी है, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक, हाँ मैं सामाजिक हमेशा भूल जाता हूँ, सोशली इंग्लिश में ही भूल जाता हूँ और हिंदी में ही भूलता हूँ, सामाजिक, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका,
इसका आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा किससे संबंधित है? तो शारीरिक शिक्षा किससे संबंधित है? तो शारीरिक शिक्षा में भाइयों शारीरिक क्रियाकलाप भी होता है, खेलकूद तो होती है, व्यायाम भी होता है। तो योगा, प्ले, जो खेलकूद गेम्स के पीरियड में भाग जाते हैं नीचे खेलने के लिए, बहुत उत्सुक रहते हैं, उत्सुकता मचती रहती है, बहुत मस्ती रहती है हमें भी। शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मानव को शिक्षित करना ही है, शारीरिक शिक्षा के द्वारा मानव को शिक्षित करना ही है। तो क्या है ये शारीरिक शिक्षा? क्या शारीरिक शिक्षा? शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मानव को शिक्षित करना ही है शारीरिक शिक्षा। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है के तौर पे लिख लेना कि शारीरिक शिक्षा को शारीरिक क्रियाओं के द्वारा मानव को शिक्षित करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा क्या है? तो शारीरिक शिक्षा क्या है? कला है, विज्ञान है, उपयुक्त कोई नहीं। ए और बी आंसर होगा इसका। क्या ए और बी है इसका आंसर? तो कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य नहीं है, इनमें से शारीरिक शिक्षा का कौन सा लक्ष्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य? शारीरिक विकास है भैया, मानव विकास, सामाजिक विकास, तो इनमें से ये नहीं है। आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास नहीं है, दूसरा कलर चेंज कर देता हूँ, आर्थिक विकास नहीं है। क्या आर्थिक विकास? तो शारीरिक शिक्षा का शारीरिक विकास है, मानसिक विकास भी और सामाजिक विकास भी, लेकिन आर्थिक विकास नहीं। ठीक है, शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है, किसको कहा जाता है? मैंने राइट पेन से टिक भी मार रखा है, एथेंस काल को। क्या एथेंस काल को? याद रखना, लिख लो इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे नाम वाले होते हैं। ठीक है, एथेंस काल को कहा जाता है, किसको? एथेंस काल को। ठीक है, आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का ही एक अंग है, सत्य है? सत्य, हाँ भैया सत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय योजना प्रकर्षित हुई, तो कब हुई थी? 1956 में। कब? 1956 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना 1956 में। आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य उपयुक्त सभी है। क्या सभी को लेके है शारीरिक शिक्षा का उपयुक्त? ठीक है, व्यक्तित्वगत विकास, न्यूरो मांसपेशी विकास, शारीरिक क्षमता का विकास, तो तीनों। ठीक है, हिंदी तंग है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा रह जाता हूँ। शारीरिक शिक्षा की प्रकृति कैसे हुई? तो शारीरिक शिक्षा की प्रकृति कैसे हुई? तो कैसे हुई शारीरिक शिक्षा की प्रकृति? किससे हुई? शारीरिक से हुई, मानसिक से हुई, सामाजिक से हुई। ठीक है, देख लो ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, देख रहे हो? इस टाइप से क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, तो देख लो शारीरिक कितने बार क्वेश्चन रिपीट हो, बट अलग अलग तरीके से रिपीट हुआ है, तो कन्फ्यूज मत होना। जितने क्वेश्चन हो रहे हैं सबको पढ़ते जाओ, ध्यान रखते जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक हैं, तो भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक कौन कौन है? पीएम जोसफ। क्या? जोसफ, पीएम जोसफ। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? पीएम जोसफ। ठीक है, आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग है, किस विद्वान का कथन है? तो इसको तो कॉपी में लिख लेना, नाम है, नाम तो वैसे ही नहीं याद होते। चार्ल्स ए बुचर नाम भी ऐसे बुचर पुचर है, कोई बात नहीं, जैसा नाम हो, हमें तो पढ़ने से मतलब, हमें तो पास होने से मतलब है। ठीक है, आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के स्वयं क्या लिखा है, समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा है, किस विद्वान का कथन है? किस विद्वान का ये कथन था दोस्तों? ये कथन था तैयारी क्या हो गया, रुक जाओ, ये कथन था जेपी थॉमस। किसका? जेपी थॉमस का था। लिख लो कॉपी में, याद नहीं होने वाला है, बार बार कह रहा हूँ, नाम जैसी ये चीज, नाम वाले हैं इनको तो कॉपी में लिख लो, और डेट वाले हैं वो भी लिख लो। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार शारीरिक शिक्षा ही एक वह शिक्षा है जो बच्चों को संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु क्रियाओं द्वारा शरीर मन तथा आत्मा की पूर्णता की ओर बढ़ती है। तो सत्य है, असत्य है दोस्तों? सत्य है। क्या है? सत्य है, सत्य है, सत्य है। किसने कहा है? आप उपनिषदों तथा आत्मा के प्रताप को भी सुदृढ़ता से समझेंगे जब आप अपने पैरों पर स्थिर खड़े होंगे,
तथा अपने को बलशाली अनुभव करेंगे। तो किसने कहा था ये, किसने कहा था ये दोस्तों, ये कहा था मारडेग्यू, क्या मारडेग्यू, ठीक है मारडेग्यू, हिंदी ऐसी है दोस्तों, देख लेना खुद ही है, मैं तो बस आंसर ज़्यादा टिक करवा रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन सभी अनुभवों का योग है जिन्हें वह व्यक्तिगत गति क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करना है, किस विद्वान का कथन है। तो किस विद्वान का कथन था ये, ये कथन था आब्रुट्यूफर का, ठीक है, नाम भी ऐसे ऐसे यार, हिंदी में पढ़े भी नहीं जाते, इंग्लिश में तो पढ़ भी ले, हिंदी में तो पढ़े भी नहीं जाते यार, चलो कोई बात नहीं। शारीरिक शिक्षा सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया है, हाँ, जो व्यक्ति के व्यावहारिक परिवर्तन से संबंध है, किस विद्वान का कथन है। तो दोस्तों किस विद्वान का कथन है, ये कथन है दोस्तों सी.सी. काबले। हाँ चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस व्यक्ति या संस्था ने इस बात पर बदल दिया है कि प्रत्येक मनुष्य को शारीरिक शिक्षा तथा खेल तक पहुंच का मौलिक अधिकार होना चाहिए, जो उसे व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। जियो प्लान खत्म होने वाला है मेरा, ओहो गलत बात है यार ये तो, कोई बात नहीं आज रिचार्ज करा लेंगे। ये किसने कहा था, यूनेस्को ने कहा था, क्या यूनेस्को ने कहा था, ठीक है यूनेस्को ने कहा था। आगे चलते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, किस विद्वान का कथन है। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग विद्वान करेगा, मतलब निवास करेगा, रहेगा, तो कौन है वो, अरिस्तो ने कहा था, अरिस्टोटल ने, ठीक है अरिस्तो ने। आगे चलते हैं। प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा किस रूप में अपनाई गई, तो प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा किस रूप में अपनाई गई, तो किस रूप में अपनाई गई थी शारीरिक शिक्षा प्राचीन काल में, तो मनोरंजन के रूप में भी और शक्ति प्रदर्शन के और कौशल के भी, उपरोक्त सभी, बट अब तो सब में ही है, वैसे सब में ही मनोरंजन के तौर पे भी है, बट ज़्यादातर शिक्षा के तौर पे है, ठीक है आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा का विशेष क्षेत्र है, तो शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र क्या है विशेष, तो वो ही बता रहा था मैं, स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद भी और आत्मसमर्पणात्मक क्रियाएं, आत्मरक्षक क्रियाएं, या जो भी हो यार, उपरोक्त सभी है, ठीक है। हिंदी तो यार हिंदी में इसलिए नहीं बना रहा था यार, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है मेरे को हिंदी पढ़ने में, जो शुरू से हिंदी इंग्लिश में पढ़ा हो ना उसको हिंदी पढ़ना बहुत मुश्किल होती है, और जो शुरू से इंग्लिश में हिंदी में पढ़ा उसको इंग्लिश पढ़नी बहुत आसान होती है। वही बात है, हमारी हिंदी थोड़ी तंग है, इसलिए मैं बनाने नहीं चाहता, लेकिन मैंने सोचा चलो यार बना देते हैं यार, बच्चों हिंदी में भी पीडीएफ वाले बंदे हैं यार, जो बहुत आस करके बैठे होंगे, हिंदी में पीडीएफ मिल जाए कहीं से, हम पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस मिल जाए अच्छे अच्छे, ठीक है चलते हैं आगे। शारीरिक विकास की आवश्यकता किससे नहीं होती, तो शारीरिक विकास की आवश्यकता शारीरिक विकास की किससे नहीं होती है, शिशु को नहीं होती, क्योंकि शिशु को इतना कुछ पता तो रहता नहीं है, बालक को होती है, युवा को होती है, और किशोर को भी होती है, ठीक है, तो शिशु को नहीं होती, क्योंकि शिशु छोटा है, उसको शारीरिक शिक्षा अभी कहाँ से दे दोगे, तो समझेगा नहीं, उसका तो माइंड ही अभी ग्रोथ कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा। शेष व्यवस्था में शारीरिक विकास के लिए पर्याप्त है, तो शेष व्यवस्था में शारीरिक विकास के लिए पर्याप्त है, तो क्या है वो, क्या प्राप्त है, खेल अवस्था, ठीक है शारीरिक शिक्षा विकास के लिए पर्याप्त है, ठीक है आगे चलते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है, शारीरिक स्वास्थ्य एवं वृद्धि के लिए आवश्यक है, क्या है शारीरिक विकास के लिए, क्या खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा, क्या खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा, क्या शारीरिक खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा, ठीक है आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा में किस कला का समावेश है, तो शारीरिक शिक्षा में किस कला का समावेश है, नृत्य कला, क्या नृत्य कला का समावेश है, ठीक है याद रखना किसका, नृत्य कला का समावेश है। आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा शरीर और मस्तिष्क का नहीं संपूर्ण व्यक्ति का प्रशिक्षण करती है, किस विद्वान का कथन है, पढ़ लेना आप ढंग से, मतलब टूटी फूटी हिंदी बोल लूँ, किसकी थी, प्लूटो की थी, प्लूटो प्लेटो जो भी हो। शारीरिक शिक्षा मस्तिष्क के कार्य को निश्चित एवं आसान करती है, सत्य है, असत्य है, सत्य है, क्या है, सत्य है। आगे चलते हैं। मनुष्य के लिए शारीरिक शिक्षा और खेलों तक पहुंच
का मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो ये किसने कहा था? ये कहा था यूनेस्को ने। किसने? यूनेस्को ने कहा था ये। ठीक है, आगे चलते हैं। खेल को किस असुर का आविष्कार मानकर आज भी तिरस्कृत किया जाता है? किस विद्वान का कथन है? पढ़ लेना आप दोस्तों, ठीक है? मेरे को तो पढ़ने में नहीं आया तो पढ़ लेना। किस विद्वान का ये कथन था? ये था कार्वेल एवं फ्रांस का। किसका? कार्वेल एवं फ्रांस का। ठीक है, लिख लेना कॉपी में और पढ़ लेना। क्या था वो? तिरस्कृत, तिरस्कृत है, तिरस्कृत। ठीक है, आगे चलते हैं। बालक को गीता की अपेक्षा फुटबॉल खिलाने का समर्थन किसने किया? ठीक है, बालक को गीता की अपेक्षा फुटबॉल खिलाने का समर्थन किसने किया? तो किसने किया था? किसने किया था? विवेकानंद। किसने? विवेकानंद जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आरंभिक अवस्था में खेल के लिए प्रोत्साहन पर किसने बदल दिया? तो किसने बदल दिया था? बदला था जॉन डीबी ने। क्या? जॉन डीबी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। बालक को दंड की अपेक्षा खेल द्वारा नियंत्रित करने का किस आह्वान किया? तो किसने आह्वान किया था? प्लूटो, प्लेटो। ठीक है, प्लेटो ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक का मन एक कोरी पटिया की तरह होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। किस विद्वान का कथन है? पटिया नहीं होगा, ये होता स्लेट। स्लेट बोलते हैं जो काली होती है, गत्ती पत्ती वो होता है। ठीक है, इतना तो हिंदी में हल्का फुल्का पता है। ठीक है, किसने कहा था? जॉन लॉक ने। किसने? जॉन लॉक में कहा था। आगे चलते हैं। जो मूर्ति के योग्य हो वही शिक्षा है, किस विद्वान का कथन है? तो किस विद्वान का कथन है? यह है गांधी जी का। अरे गांधी जी भी इतनी शुद्ध हिंदी बोलते थे यार, ऐसे हिंदी का ये ऐसी हिंदी। चलो कोई नहीं, सारी शिक्षा के अस्तित्व का पता चलता है। सहायक शिक्षा का अस्तित्व का पता कैसे चलता है? किससे पता चलता है? अरे क्या हो गया, गलती हो जाती है। किससे होता है? किससे होता है? कोई ट्रायंगल का समझा? मोहन जोदा नहीं, अरे यार क्या, मोहन जोदाड़ो की खुदाई से। किससे? मोहन जोदाड़ो की खुदाई से। मोहन जोदाड़ो की खुदाई से कुछ ऐसे कुछ अवशेष मिले थे जिससे पता चलता है कि सहायक शिक्षा के अस्तित्व का पता चलता है। मतलब सहायक शिक्षा के अस्तित्व का पता चलता है मोहनजोदारो की खुदाई जब हुई थी तब। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्की के अनुसार शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं, लॉस्की है कोई होगा, साइंटिस्ट होगा कोई होगा, तो उसके अनुसार शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं कितने? उद्देश्य हैं उसके उद्देश्य हैं पाँच। कितने हैं? पाँच। आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा के महत्व का क्षेत्र है, तो शारीरिक शिक्षा के महत्व का क्षेत्र क्या है? व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, तो सबका है, पुत सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा में कौन से खेल सम्मिलित हैं? तो कौन कौन से खेल सम्मिलित हैं शारीरिक शिक्षा में? तालबंद खेल, दलीय खेल, व्यक्तिगत खेल, तो सब हैं। क्या है? सब है। हिंदी में पता नहीं चल रहा कौन कौन से खेल है, इंग्लिश में तो पता भी चल जाता। आगे चलते हैं। संगीत के साथ व्यायाम किए जाते हैं, तो संगीत के साथ व्यायाम किए जाते हैं, तो किए जाते हैं किसमें? किए जाते हैं संगीत के साथ व्यायाम एरोबिक में। किसमें? एरोबिक में। संगीत के साथ किया जाता है उसको व्यायाम ही कहा जाएगा, एरोबिक में। ठीक है, पंजाब का भांगड़ा नृत्य क्या है? पंजाब का भांगड़ा नृत्य क्या है? वो है लोकगीत एवं नृत्य। क्या है? लोकगीत एवं नृत्य है। आगे चलते हैं। फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो फाउंडेशन किस कौन है लेखक इसके? इसके लेखक हैं चार्ल्स एव बुसर। क्या? चार्ल्स एव बुसर ने लिखी थी फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। यौगिक क्रियाओं का क्या लाभ होता है? तो यौगिक क्रियाओं का क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है? रोगों से मुक्त, दीर्घायु, तो दोनों ए एवं बी दोनों। हिंदी हाथ तंग, इंग्लिश हाथ सही है थोड़ा बहुत। वह जो एक स्कूल खोलता है एक जेल बंद करता है, किस विद्वान का कथन होता है? सही बात है भाई, एक स्कूल खोलने पे एक जेल बंद है, लेकिन आजकल की जनरेशन में ये नहीं है भाई। स्कूल खोल रहा है तो भाई एजुकेशन से नहीं, वो अपनी जेब भरने के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे स्कूल मैंने देखे हैं जहाँ पे बस ऐसे टीचर रख लेते हैं जो मतलब पढ़ाते कुछ नहीं है, पढ़ाते हैं बट उस लेवल का नहीं पढ़ाते, क्योंकि टीचिंग लाइन में मांगते हैं क्या मांगते हैं क्या मांगते हैं वो मांगते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मांगते हैं कि एक्सपीरियंस बच्चों को जितना हम दे सकें उतना एक्सपीरियंस होगा, तभी तो वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। लेकिन अभी जो बच्चे बच्चे हैं यार, उन्हीं को कर देते हैं ये, तो सही नहीं है यार। ये क्या है यार ये? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह जो एक स्कूल खोलता है एक जेल बंद करता है, किस विद्वान का कथन है? तो किस विद्वान ने कहा था? ये कहा था हुगो। किसने?
हुगो ने, क्या हुगो ने कहा था कि एक स्कूल जो खोलेगा और एक जेल बंद करेगा। तो है भाई, अब तो आजकल की जनरेशन में बहुत सारे स्कूल खुल चुके हैं। तो दोस्तों इसमें मैं आपको ये भी दूंगा, क्या उत्तरमाला भी PDF में आपको मिलने वाली है। आप चाहो तो यहाँ से उत्तरमाला देख के, या तो डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल लो, सबसे बढ़िया रहेगा कि प्रिंट आउट निकाल लो, सबसे बढ़िया। PDF में आपको अवेलेबल नीचे करा ही दूंगा, तो डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल के टिक कर लेना, ठीक है। तो इस PDF में आपको ये उत्तरमाला भी मिलने वाली है। तो थी तो मैंने यार डाल दी, वरना बाकियों में थी नहीं, क्योंकि उनको आंसर्स मैं खुद ढूंढ के लाता था सर्च कर करके, और जितना मुझे पता रहता था, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी, 1958 में हुई थी। देखो दूसरे आंसर, आगे चलते हैं। सहायक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, तो सहायक शिक्षा का संबंधिक क्या है, शाब्दिक अर्थ है, तो क्या है, शरीर की शिक्षा, क्या शरीर की शिक्षा, ठीक है। आगे चलते हैं। अरस्तु तथा प्लेटो का संबंध किस देश से था? तो किस देश से था, ये दोनों थे भैया अरिस्टोटल और प्लेटो, यूनान के, किसके, यूनान के, ठीक है। आगे चलते हैं। शिक्षा का आंतरिक सार धर्म को किसने स्वीकार किया? शिक्षा का आंतरिक सार धर्म को किसने स्वीकार किया? तो किसने स्वीकार किया था, स्वामी विवेकानंद ने, किसने, स्वामी विवेकानंद ने किया था। आगे चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक, इसके लेखक है इराज अहमद खान। कौन है, इराज अहमद खान। आगे चलते हैं। भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था है, तो क्या है व्यवस्था, क्या है, अप्रवस्थित, ठीक है, क्या है, अप्यापस्त, अप यरस्त, जो भी हो, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जो आपको जो इसकी PDF है दोस्तों, क्या PDF नीचे मिल जाएगी, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इस डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस की मैं लिंक डाल दूंगा, जिससे आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको भी देख सकोगे। और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने अभी 6 वीडियोज़ बनाई थी, तो उनको देखिए जाके। बस टाटा बाय बाय, धन्यवाद।